बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी दोपहर का लगे थे हम खाना बनाने, तो धूप भी आ निकली हुई है। वैसे दो दिन से मौसम बड़ा अच्छा रहा है जी। चूल्हा मैंने जला लिया हुआ था। आज हम बनाने लगे थे सालन में चिकन आलू का सालन। तो मैंने धो दिए आलू, टमाटर, प्याज, गोश्त, मसाले और ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया हुआ है। असल में धूप है काफ़ी, तो जो है कोई बात नहीं, अब जो करना है काम वो तो करना है जी। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसे डेली रूटीन्स पर व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये देखें जी, सारा मैंने खलारा जो है ना खलारा हुआ है। अब कर देते हैं ये पेस्ट। प्याज हमारे हल्के सुनहरे ब्राउन हो गए थे और जो मैंने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाला था वो भी ब्राउन हो चुका था। अब थोड़ा गोश्त को फ्राई करेंगे, उसके बाद सारे मसाले और आलू वगैरह डालकर सालन फिर बनाएंगे जी। ये देखेंगे चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं सारे मसाले। साथ में हम ये भी डाल देंगे टमाटर और आलू। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है हमारे सालन की। सालन हमारा हो गया है तैयार। अब रोटी बनाते हैं। सालन पहले निकाले फिर उसमें जो निकली माशाल्लाह से। अब बनाते हैं रोटी।
तो जी माशाल्लाह से ये देखें फाइनली हमारा सालन, हमारी रोटी, सब कुछ तैयार हो चुका है। अब खा के देखते हैं कि कैसा टेस्ट बना है। उम्मीद है कि टेस्ट भी अच्छा ही बना होगा जैसी शक्ल नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जायका बना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर लें अगर डेली रूटीन पर आप ऐसे भी लोग देखना चाहते हैं तो। अपना जी बहुत ज़्यादा रखेगा ख्याल, दुआ में रखेगा याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।